नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कुवैत से रिलेटेड। मैं हर बार बोलता हूँ, सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार वर्कर लोगों पे अत्याचार अगर होता है तो सिर्फ और सिर्फ कुवैत में सबसे ज़्यादा, उसके बाद सऊदी का भी बाद में नंबर आता है, कुवैत में सबसे ज़्यादा होता है। जी हाँ, हर बार महीने में, पिछली बार भी मैंने दो तीन वीडियो बनाए थे, अभी भी तीन तीन केस मेरे सामने आ रहे हैं। जी हाँ, कहीं पे औरतों को जलाया जा रहा है, कहीं पे लोगों के साथ मतलब इतना अत्याचार हो रहा है कि खाने तक के पैसे उनको नहीं दिए जा रहे वगैरह वगैरह, सब जानकारी आपको डिटेल से। आज हम बात करेंगे एक महिला से रिलेटेड। श्रीलंकाई नौकरानी महिला कुवैत में जॉब कर रही थी, 40 साल की बुजुर्ग औरत थी, उसके साथ में इतने भयंकर तरीके से उसको यातना दी गई, शरीर को जला दिया गया आग से। जी हाँ, मैं फोटो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, आप ज़रूर देखना। और इस वीडियो को भाई मैं तो ये बोलूँ, जो आपके कुवैती आपके अरबी लोग हैं ना, उनको ये वीडियो मेरा शेयर कर दो और मेरा वो घंटा उखाड़ लेना, समझ गए बात को। इतने घटिया स्तर के लोग बैठे हैं वहाँ पे, कुछ गंदे लोग पूरे कुवैत के लोगों को बदनाम करते हैं, सेम अपने इंडिया वाला माहौल वहाँ पर भी है भाई। तो ये मैं तो ये चाहता हूँ मेरा वीडियो वहाँ लोगों के साथ शेयर करो, वहाँ के अरबी लोगों के साथ, ताकि उनके पिछवाड़े में मिर्ची लगे, समझ गए बात को। तो उनको भी समझ में आए कि यार अपने बारे में इंडिया में बैठे लोग भी गलत बातें करते हैं, गलत सोचते हैं, सोशल मीडिया पर हमारे बारे में गलत बातें बोलते हैं। एविडेंस के साथ हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पे पेज को फॉलो कर लें, ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो हम बात करते हैं साथियों, एक नौकरानी थी जो श्रीलंका की, जी हाँ साथियों, वो वहाँ घरेलू जॉब करती थी, फरवानिया वहाँ पे एरिया का नाम है, वहाँ पे उम्र ज़्यादा हो गई थी। तो उसने अपने मालिक से बोला कि सर मेरी उम्र हो चुकी है, मुझे अपने देश जाना है, तो प्लीज़ मुझे अपने देश भिजवा दे। जी हाँ, तो उन्होंने मना कर दिया, उसके साथ मारपीट करी, उसके साथ में उसके तीन लड़के भी थे, उन्होंने इतनी भयानक यातना देते हुए उसको जला दिया गया। जी हाँ, गर्दन के पीछे, शरीर के मतलब छाती पे अलग अलग उसको आग जला के आग से जलाया गया। कितनी घटिया स्तर की, निम्न स्तर की बातें हो सकती हैं, ये मत समझना कि ये इनके साथ हुआ, ये किसी के भी साथ हो सकता है, खास तौर से घरेलू नौकर के लिए। मैंने एक पहले भी वीडियो डाला था, आपको देखा होगा कि भाई कुवैत में घरेलू नौकर वाले अगर जाएँ तो बहुत सोच समझ के जाएँ, इतनी यातनाएँ वहाँ पर मिलती हैं सऊदी अरबिया में, कुवैत में। और भाई मेरे वीडियो अरबी लोगों को शेयर कर देना, ताकि उनको हकीकत का पता लगे, ताकि उनकी जितनी उनकी मिर्ची लगेगी ना, उतनी सच्चाई बाहर निकलेगी। ये तय बात है, ये एविडेंस है बाकायदा, ये इसको आप झुठला नहीं सकते, इस पर सफाई देने की जरूरत नहीं है। इसके साथ इतनी यातनाएं दी गई, फिर उन्होंने जैसे तैसे करके श्रीलंका एम्बेसी को कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने वहां पे उच्च स्तर पे बात करके पुलिस भेज के उसको रेस्क्यू करवाया गया। जी हाँ, पुलिस गई तब भी वहाँ पे आग जल रही थी, जी हाँ आग जल रही थी, पूरा सिस्टम। फिर उनको उनके ऊपर मुकदमा डाला गया, उनको जेल में डाला गया, उनमें एक बच्चे को छोड़ भी दिया गया जिनकी शायद उम्र कम थी, उनको छोड़ दिया गया, बाकी उस औरत को इंडियन श्रीलंका एम्बेसी के हवाले कर दिया गया, और उनको इंडिया श्रीलंका जाने के लिए वहाँ से रवानगी दे दी जाएगी, शायद या मिल गई होगी। दो तीन दिन पहले की न्यूज़ में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसी घटनाएं हो रही हैं कुवैत में, आम घरेलू नौकर मान लीजिए, घरेलू जितने भी प्रकार के जॉब उसमें, या फिर सऊदीया में भी ऐसे कांड होते रहते हैं। तो भाई आप सजग रहिए, आप ध्यान रखें, जो भी लोग घरेलू जॉब में जा रहे हैं तो सोच समझ के जाएँ। मैं हर बार बोलता हूँ जॉब वहीं पर करें जहाँ पर पहले से आपका कोई बंदा जॉब कर रहा है, वो बोलता है ठीक है तू आ जा, तो जाएँ भाई, वरना आपके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि विदेश से कुवैत से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय हिंद, वंदे।